हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सबको दिल से स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब क्वीन में। तो आप आज मैं आप लोगों से बहुत ही खास चीज शेयर करने जा रही हूँ। छोटे बेबी के लिए जो फूड होती है, क्या खिलाना चाहिए, किस तरीके से खिलाना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि रोज रोज क्या खिलाए बच्चे को, एक ही चीज खाने में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो फ्लेवर बदल बदल के खाना चाहता है बच्चा भी, एक ही चीज रोज रोज खिलाओ तो नहीं खाता है। तो मैं भी कभी कभी बच्चे को अलग अलग चीज बना के खिलाती हूँ, कभी हलवा, कभी सेरेलेक और कभी दाल। तो मैं ये सब चीज़ बदल बदल के खिलाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ये नहीं खाता है, मेरा छोटा बेबी नहीं खाता है। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि बच्चे को बहुत ही हेल्दी हलवा या फूड जो भी हम बना के खिलाना चाहते हैं बना के खिला सकते हैं। तो मम्मी ने मेरे को रेसिपी बताया था इसके किस तरीके से हमें बनाना है। तो मम्मी ने मुझे थोड़ा सा बना के भी सिखाया था, दिखाया था किस तरीके से बनाना है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही हेल्दी रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है छोटा बेबी के लिए। तो मैं तो यही बना के खिलाती हूँ अपने बेबी के लिए। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में कुछ खास चीज होती है जो इसमें मिलानी होती है, बहुत ही हेल्दी होता है बच्चे के लिए, बच्चे मन लगा के खाते हैं। तो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी ये चीज। तो आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से बनानी है। बेबी फूड बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर सोयाबीन थोड़ा सा भून दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने भून के रखा है पहले से। पॉपकॉर्न, ये काजू और बादाम ये भी भून के रखा है। चना मैंने घर में भून के रेडी किया है, थोड़ा सा चावल भुना है। और ये मूंग की दाल मैंने थोड़ा सा भून के रेडी कर दिया है। और ये अखरोट और ये साबूदाना, इन सारी चीज़ को हमने पहले से भून के रेडी कर लिया है। तो इसमें आप लोग कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसमें गेहूं भी ऐड होता है, मेरे पास अभी गेहूं अवेलेबल नहीं थी तो मैंने गेहूं नहीं मिलाया। तो इन सारे चीज़ों के अलावा भी इसमें कुछ खास चीज़ मिलानी होती है जिसकी वजह से बेबी बहुत ही अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। तो इन सबको पहले अपने कितना बनाना चाहते हो आप उसी हिसाब से भून के रेडी करना है। तो मैंने ये एक महीने के लिए रेडी किया है बेबी के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ एक सी चीज़ बच्चे नहीं खाते, तो उसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब भून के रेडी कर लिया है। भून के रखना है सबको। तो मैंने इन सबको हम मिक्सर में पीसेंगे, बारी बारी से सबको मिक्सर में डालेंगे और अच्छे से पीसेंगे। तो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ लास्ट में मिलाना है वो मैं थोड़ी देर बाद मिला के दिखाती हूँ आपको। रोटी खा रहा है बेबी, मुझे रोटी बहुत पसंद है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्सर में डाल के हमें पीसना है, जो अलग अलग नहीं पीसना है, आप सब एक साथ डाल के पीस सकते हो। तो खोल के देख रहे हैं, अब ये ढंग से नहीं पीसी है, ज़्यादा बारीक से नहीं पीसे। तो इसमें हम एक और चीज़ मिलाने की जो बात कर रहे थे वो चीज़ मिला के फिर दोबारा से पीसना है बारीक। मैंने आपको जो बताया था कि कुछ मिक्स करना है लास्ट में जिससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आती है, तो यह है ये मिश्री। तो चीनी बच्चे के हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है, ऐसा बोलती है मम्मी मेरी। तो मम्मी बोलती बच्चे के लिए ये मिश्री बहुत ही अच्छा रहता है, ये धागे वाला मिश्री। तो यही मिक्स करती हूँ मैं बच्चे के खाने में। तो इसको पहले हमें कूटना है, क्योंकि इतनी बड़ी मिक्सर में नहीं पीस पाएगी, तो हम इसके इसी तरीके से कूटते हैं पहले। इसमें आप डालेंगे मिश्री, फिर दोबारा पीसेंगे, बहुत बारीकी से पीसना है। ये देखिए हमारे ये जो फूड है बेबी फूड है रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको किसी डब्बे में भर के रखेंगे, इसे खराब नहीं होगा, एक महीने तक चल जाएगा ये। तो इसको हम हलवा बना के खिला सकते हैं बेबी को, या फिर दूध में या गर्म पानी में इसको घोल के भी खिला सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको हलवा बनाते समय थोड़ा सा नमक मिक्स कर देती हूँ, तो इसको ना हल्का मीठी और नमकीन स्वाद आती है। तो मेरा बेबी बहुत अच्छे से खाता है, पूरा फिनिश कर लेता है। तो इतना हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा, ये इसमें बहुत सारे हेल्दी चीज मिक्स हैं और घर में बना हुआ है, तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं घर में अपने बेबी के लिए। तो आप लोग बताइएगा मेरे वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में।
और मेरे वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम इसको डब्बे में भर के रखते हैं। डब्बे में भरने से लंबे टाइम तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। हम इस तरीके से एक एक स्पून बना के खिला सकते हैं। अगर आपकी बेबी ज़्यादा खाते हैं तो हम दो स्पून भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक महीने तक ये ख़राब नहीं होता, एक महीने के दो तीन महीने तक ख़राब नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा एक ही महीने के लिए बना के रखती हूँ, उसके बाद दोबारा बना लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चख के दिखाती हूँ कैसा बना है। बहुत ही अच्छा बना है, एकदम उसका फ्लेवर आ रही है, इसकी बच्चे को बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय, राधे राधे। चूहा।